मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे छात्रावास हैं जहां पर आदिवासी समाज के छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी के पोस्ट मैट्रिक आदिवासी छात्रावास की, जहां पर छात्रों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने बताया कि उनके हॉस्टल में खाने की मेस है, पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। हम खुद ही खाना बनाते हैं। ठंड आ चुकी है, पर अभी तक छात्रों को गर्म बिस्तर नहीं मिले हैं। वहीं छात्रावास अधीक्षक भी कभी कभी झांकने चले आते हैं। इसकी शिकायत पहले भी कलेक्टर से की जा चुकी है, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एससी फर्स्ट सेकेंड ईयर का हूँ मैं, एसटी छात्रावास में रहता हूँ, बालक छात्रावास। हमारे यहाँ खाने की समस्या है और सोने के लिए कोई कम्बल वम्बल गद्दा तो कुछ नहीं है, ना पल्ली है, और खाने समय से नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे पढ़ाई में नुकसान भी हो रहा है। देखिए, आज पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास के कुछ छात्र जो है कलेक्टर कार्यालय में मुझसे मिले थे। उनकी बेसिकली कुछ मांगे थी। उनकी मांगे जो हैं भोजन की गुणवत्ता और अधीक्षक की नियमितता के नियमित तौर पर जो है अधीक्षक वहाँ पर रहें, इस विषय में थी। तत्काल उनकी मांगों का संज्ञान लेके निरीक्षण के लिए जो है वो डीडी ट्राइबल को निर्देशित किया गया। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डीडी ट्राइबल जो है वो मौके पे ही हैं। अभी मेरी जो दूरभाष पर जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है उसके अनुसार वहाँ पर कुछ अव्यवस्था पाई गई है, और अभी हम लोगों ने तत्काल जो है जो वार्डन थे उनको प्रभार से हटा दिया है, और पास